हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त स्टीवन फर्नांडिस और मैं आज आपके लिए एक्सप्लोर कराने लेके आया हूं दी ऑल न्यू लैंड रोवर्स रेंज रोवर। इसमें एक्चुअली दो मॉडल्स आते हैं, एक है स्टैंडर्ड व्हील बेस और दूसरा आता है लॉन्ग व्हील बेस। और इसमें भी चार ऑप्शन मिलेगा आपको, एक है नॉर्मल रेंज रोवर, उसके बाद आता है रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी, उसके बाद रेंज रोवर फर्स्ट एडिशन और आता है रेंज रोवर SV। ये दोनों में ये सेम ऑप्शन आपको मिल जाता है। पिछले मॉडल से ये पूरी की पूरी गाड़ी चेंज है, पूरी नया लुक के साथ ये गाड़ी। फ्रंट ग्रिल, ये एयर वेंट्स और ये लाइट्स, ये सारे चेंजेस है। फ्रंट फॉग लाइट्स, ये हेडलाइट पावर वॉश, फ्लश डिप्लॉयड डोर हैंडल्स और आता है ये जो साइड मिरर्स जो है, हीटर्ड इलेक्ट्रिक पावरफुल डोर मिरर्स है विद अप्रोच लाइट एंड ऑटो डिमिंग के साथ आ जाता है। यहाँ पे जो है विंटर पार्क वाइपर पोजीशन है यहाँ पे। ये इस रेंज रोवर का रियर लुक। ऑटोबायोग्राफी आपको लेना है तो जो स्टैंडर्ड फीचर है उसमें और कुछ फीचर्स ऐड हो जाते हैं, जैसे कि ये लैमिनेट फ्रंट एंड रियर साइड ग्लास, उसके बाद डिजिटल LED हेडलाइट्स विद सिग्नेचर DRL एंड इमेज प्रोजेक्शन के साथ आ जाता है। उसके बाद ऑटोबायोग्राफी एक्सटीरियर पैक इसमें मिल जाता है। उसके बाद स्लाइडिंग पैनोरामिक रूफ मिल जाते हैं, उसमें था फिक्स पैनोरामिक। और ऑटोबायोग्राफी में आपको मिलेगा स्लाइडिंग पैनोरामिक रूफ, उसके बाद ऑटोबायोग्राफी बैज, उसके बाद ब्लैक ब्रेक क्लिपर्स मिल जाते हैं और एटेन्यूएटिंग विंडस्क्रीन, सोलर एटेन्यूएटिंग विंडस्क्रीन मिल जाता है ऑटोबायोग्राफी। अगर आप फर्स्ट एडिशन लेना चाहते हो ऑटोबायोग्राफी और जो स्टैंडर्ड में वो फीचर के साथ और कुछ फीचर्स इसमें ऐड हो जाते हैं, जैसे कि हीटेड विंडस्क्रीन, प्राइवेसी ग्लास और उसमें बैज नहीं आ जाता है। अगर आप उससे भी और एक मॉडल ऊपर जाते हो, टॉप में जाते हो, तो उसके साथ ऐड हो जाता है क्लियर ग्लास और SV एक्सटीरियर एक्सेंट्स। स्टैंडर्ड में आ जाता है 21 इंचेस के अलॉयस विद अलॉयस, और जैसा आप एक स्टेप ऊपर जाते हो यानी ऑटोबायोग्राफी में जाते हो तो 22 इंचेस के डायमंड टर्न विद ग्लॉस डार्क ग्रे कॉन्ट्रास्ट के साथ ये आ जाता है। उसके बाद फर्स्ट एडिशन में आप जाओगे उसमें आपको सेम 22 इंच के ही मिलेंगे व्हील्स और SV बी स्पोक डायमंड टर्न विद सैटिन ब्लैक कॉन्ट्रास्ट के साथ आ जाता है। और टॉप एकदम टॉप में है SV, उसमें भी आपको 22 इंच के ही मिलेंगे डायमंड टर्न विद ग्लॉस डार्क ग्रे कॉन्ट्रास्ट के साथ आ जाता है। देखते हैं इसका बूट के अंदर कितना स्पेस है। इसका बूट में काफ़ी ज़्यादा जगह है, दो बंदे या तीन बंदे आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। अगर आप बीच में या पार्क में या कहीं पे आप जा रहे हो यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, और मेरे ख्याल से दो बंदे शायद यहाँ पे लेट भी सकते हैं। देखते हैं लेटने के लिए जगह है क्या नहीं। काफ़ी जगह है लेटने के लिए भी, काफ़ी जगह है, काफ़ी डीप बूट है इसका, बूट इसका काफी डीप है। मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ, ये है इसका बूट, काफी डीप बूट है। और ये जो रियर सीट्स है उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्विचेस दिए हुए हैं, ये 60-40 स्प्लिटेबल सीट्स है। इस स्विचेस से, इस ये दो स्विचेस से इस पार्सल ट्रे को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। इन दो स्विचेस से इसे हम थोड़ा सा ऊपर और नीचे इसको कर सकते हैं इसका हाइट। यह है इस ऑल न्यू लैंड रोवर रेंज रोवर का की है, की का लुक कुछ ऐसा है।
अभी देखते हैं अंदर में क्या कुछ चेंजेस है और अंदर क्या क्या कुछ मिल जाता है वो देख लेते हैं। ये है रियर सीट्स का लुक। मैं आके रियर सीट में बैठा हुआ हूँ, काफी ज्यादा कंफर्टेबल सीट्स है और को भी जो सीट में मैं बैठा हूँ ये सीट को भी इंक्लाइन डिक्लाइन करने के लिए यहाँ पे स्विच दिया हुआ है। ये ज्यादा इंक्लाइन डिक्लाइन नहीं होता है, थोड़ा बहुत इंक्लाइन डिक्लाइन हो जाता है। सीटिंग और इंटीरियर ट्रिम का बात करेंगे तो रेंज रोवर में स्टैंडर्ड आ जाता है, सॉफ्ट गेन लेदर स्टेयरिंग व्हील, कारपेट मैट, नेचुरल ब्राउन वॉलनट विनीर लेदर है। रियर साइड का डोर है ये, यहाँ से इसका डोर ओपनिंग ओपनिंग लीवर यहाँ पे दिया हुआ है वन टच। ये सिर्फ सनब्लाइंड्स नीचे जाएगा, ये जो ग्लास है ये बंद ही रहेगा। दोबारा इसे प्रेस करने से वन टच है, ये भी ग्लास नीचे चले जाता है वही सेम वे, इन द सेम वे इसे वन टच फर्स्ट ग्लास, उसके बाद ये सनब्लाइंड कवर हो जाता है। और दोनों तरह का यहां पे भी बैठ के कर सकते हैं, वहां का भी और यहां का भी। डोर का लुक ये पूरा वुडन फिनिशिंग है, वुडन फिनिश। ये है फ्रंट सीट्स लुक। मेरिडियन का साउंड सिस्टम अवेलेबल है, स्टैंडर्ड है इन गाड़ियों में। और इसका जो टच स्क्रीन का साइज है वो 13.1 इंच टच स्क्रीन है। इस गाड़ियों में स्टैंडर्ड ड्राइवर असिस्टेंस है, जैसा कि आपको मिलेगा इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, फ्रंट एंड रियर पार्किंग एड, रियर ट्रैफिक मॉनिटर, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक्स, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्टैंडर्ड मिल जाता है हर एक वेरिएंट में और इनमें कोई भी चेंजेस नहीं है। आप कोई भी वेरिएंट लेते हो ये सारा फीचर्स मिलना है आपको हर एक वेरिएंट में। ये स्पीकर, ये सिस्टम अवेलेबल है। कैपेबिलिटी और डायनामिक्स के बात करेंगे तो ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है, इसमें 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ट्विन स्पीड ट्रांसफर बॉक्स हाई लो रेंज के लिए, और टेरेन रिस्पॉन्स 2 और ऑल टेरेन प्रोग्रेस कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक एयर सस्पेंशन मिल जाता है, सारे मॉडल्स में मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक एयर सस्पेंशन, ऑटोमेटिक एक्सेस हाइट, ओपन डिफरेंशियल विद द टॉर्क, वेक्टोरिंग बाय ब्रेकिंग, एडेप्टिव डायनामिक्स, हिल डिसेंट कंट्रोल्स और हिल लॉन्च असिस्ट, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल्स और लो ट्रैक्शन लॉन्च और रोल स्टेबिलिटी कंट्रोल्स सारे मॉडल्स में मिल जाते हैं। जैसा ही मैं इस गाड़ी को अनलॉक करता हूं तो ये जो फुटस्टेप ये बाहर आ जाता है अपने आप और ये डोर हैंडल जो है ये भी पॉप आउट हो जाता है।
करता हूँ मैं वीडियो। आपका अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल पे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए व्लॉग में। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गॉड ब्लेस, टेक केयर।